वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपका हो गया थर्सडे और आज नरक निवारण चतुर्दशी है, तो घर में सब कोई फास्ट करने वाले हैं, बट नॉट मी, एक्सक्लूडिंग मी एंड माय फादर। हम लोग दोनों जन नहीं करेंगे। और ये डोडो तैयार हो गया स्कूल के लिए। डोडो, आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग बोल दो ब्लॉग में। नहीं चल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि BMW S1000 RR का क्या है बेटू? फोन लेके बैठ गया है। इसको खाना खिलाने का वीडियो में दिखा नहीं पाया। इसको खाना खिलाने में अप्रोक्सीमेटली ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस, इसका वेदर बहुत अच्छा है और चलते हैं फटाफट इसको स्कूल बहन वाले के पास छोड़ के आते हैं, मैदान के पास। और ये अभी BMW S1000 RR के पीछे पड़ा हुआ है। ये देखिए, तो वैसे चलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं। वो बदमाश कुत्ता है। ये देखो आ गया। फारो फारो, आप फारो, नहीं काटेगा, क्यों डरते हो आप? इसको अरे नहीं, दो दो, बैठा हुआ तो कैसे चल रहा है बैठ के? इतना डर रहा है कि पैकेट हमको दे दिया फरने के लिए। गैस, ये देखिए दो दो कुत्ता आ गया और इसको देखिए डर के मारे गाड़ी में बैठ गया। दे दिए इसको आधा। इसको दे दिया आधा। इसको देखिए डर के मारे कहाँ बैठा हुआ है। तो गाइस, अब बहन वाले का वेट करते, आने दीजिए, फिर इसको छोड़ के घर के लिए निकलेंगे। 10 हो गया, अभी उसका बहन वाला आ रहा है। ये देखिए, फटाफट इसको छोड़ते हैं। टाटा कर दो अभी, टाटा। पहले से आके खड़ा है। तो अब साबुदाना लेना था, साबुदाना लिए हैं। अभी इसके लिए बिस्कुट लिए हैं, ये जो खिलाते हैं, फिर ऑफिस के लिए तैयारी करते हैं। गाइस, साबुदाना ले लिए, ये साबुदाना लिए और डुगू के लिए सॉस का पैकेट लिए, बट दूध लेना भूल गए। तो अभी दूध लेने के लिए जा रहे हैं। और ये जो पानी लेके आते हैं ना, पानी का जार ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया, फट गया एक। और ये फानेल जो इसमें डिस्पेंसर, तो ये एक लेना है। देखते हैं यहाँ पर प्राइस पूछ के आते, अगर यहाँ पर पोसा गया तो ले लेंगे, नहीं तो कलकत्ता से लेना पड़ेगा। लेकिन उधर जाते ही नहीं है तो ले नहीं पा रहे। और ये मम्मी पूजा दे रही थी, ये अपना भगवान का रूम है, वहाँ है गोपाल जी। तो गाइस चलते हैं, देख के आते हैं थोड़ा। तो गाइस लेके आ गए, नया डिस्पेंसर है ये। और मेरे हाथ में पानी का बोतल था, दैट इज़ वाई वीडियो कर नहीं पाया। ये रहा नया पानी का बोतल। तो गाइस अब टाइम देखिए, 9:40 होने वाला है। तो फटाफट तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। गाइस, ऑफिस ब्लॉग तो ख़त्म हो गया, अब चालू हो रहा है होम ब्लॉग, मतलब घर का डेली ब्लॉग। तो डोडो वॉशरूम में है, मैं आके आज पहले वही चेक किया कि डोडो कहाँ पे, तो डोडो वॉशरूम में ढुका हुआ है। और आज अगर गया रहता दादी के साथ तो हमको अच्छा नहीं लगता है। मैंने ऑफिस आने के टाइम में हम उसको देखना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, तो दिन भर नहीं देखते हैं। अभी वो वॉशरूम से निकलता है, फिर आपको उससे मिलाते हैं। और ऑफिस ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोलकाता कहीं देखने का मन हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा हार्ड एंड सोल कि कोलकाता का हर एक मॉन्यूमेंट, हर एक मतलब इंटरेस्टिंग प्लेस का आपको विजिट दे सकूं। तो वेट करते डोडो के लिए। गाइस, डुगू का हाल देखिए, वो बैग उठाने के, ऑफिस से आते ही बैग उठाने के चक्कर में रहता है। देखिए बैग गिराया, तुमसे नहीं होगा। हाय जी, हाय जी, डोडो, हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे डोडो? गुड। हाँ, वैनिला केक फिर से। वैनिला केक फिर से।
जेली केक, जेली केक उधर देखो, और रोटी बिस्किट। हाँ तो गाइस अब फटाफट तैयार हो जाते हैं, दुकान के लिए भी जाना है। नहीं कौन से कराटे वाले गाइस सोच रहा है कल उसको स्कूल में कौन से वाले भैया मिले थे। अच्छा इधर से इधर आ जाओ, हिंदी में बात करते मेरे से। इधर आ जाओ तो एक पप्पी दे दो फिर चल फिर। नहीं फिर कराटे वाले भैया, कराटे वाले भैया से चिंता। सुनो ना बेटू एक पप्पी दे दो, देखिए गाइस उसको होमवर्क मिला है तो वो जो इजी है कर्सिव राइटिंग हैंडराइटिंग वाला वही वो यूज कर रहा है, मतलब उसी का पढ़ना है कंप्यूटर पे पढ़ना है। तो गाइस हमको पप्पी देने के लिए आ गया है मेरा लालू। अच्छा ठीक है, उधर एक पप्पी दे देना, एक पप्पी दे देना, इधर देखना, इधर देखना क्या चिपकाया है। अरे वाह कहाँ से चिपकाया है, ये देखिए गाइस इसका कारस्तानी। वाह ये तुम बनाए हो, चलते गए इस दुकान जो छोड़ दे मस्ती करने के लिए, रात में देखते अगर जगह रहेगा तो इसके लिए गुड़ वाला रसगुल्ला लेके आऊंगा, अगर नहीं जगह रहेगा तो नहीं लाऊंगा। अभी 10 बजानी है, 5 मिनट बाकी है और ये मैं अपने बाइक के लिए और हेलमेट के लिए लोगो निकाल रहा था, टिंट निकल गया है तो अब घर चलते हैं, शायद दुगु जगह होगा तो दुगु से मिलाते हैं, घर जाके ब्लॉग का एंड करते हैं। दुकान आया तब टाइम नहीं मिला, कस्टमर खड़ा था पहले से ही, दुकान भी साफ नहीं किया, दुकान में कचरा लगा ही हुआ है और ये बैठ के बकबक कर रहा है। तो चलते हैं घर, दुगु से मिलाते हैं, घर जाके ब्लॉग का एंड करते हैं। फैन चल रहा है और ये महाशय को देखिए, देख रहे हैं मतलब इतना ठंडा है बाहर में, अभी पंखा चला के सोया हुआ था। क्या बेटू क्यों चलाए पंखा, बाहर में कितना ठंडी है, ठंडी नहीं है। गुड नाइट बोल दो ब्लॉग में, क्या गुड मॉर्निंग बोलूंगा। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। शुभ रात्रि, जय श्री राम, राधे राधे।